जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिणी पूज्य संतोष बहन जी का जीवन चरित्र। संत समागम। पूज्य संतोष बहन जी का पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज से मिलन। बांके जी के यहाँ इन्हें महाराज श्री का रसिक सिद्ध संत के रूप में परिचय मिला था। सन 1918 में दक्षिण प्रदेश के कर्नाटक राज्य में मोक्षदा एकादशी को जन्मे पूज्य श्री महाराज श्री ने युवा अवस्था में ही भगवत साक्षात्कार की लालसा में गृह त्याग कर दिया था। देश भर के तीर्थों का परिभ्रमण करके सन 1938 में वे वृंदावन आ गए और साधना में डूब गए। इनकी भावोन्माद की अलौकिक दशा में पूज्य मनोहर दास बाबा व ठाकुर घनश्याम जी सतत सान्निध्य में रहे। पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी की दिव्य अनुभूतियों और भाव मूर्छा में स्फुरित पदों के पूज्य मनोहर दास बाबा साक्षी रहे हैं। महाराज श्री की भगवत प्राप्त संत के रूप में ब्रज में ख्याति हो चुकी थी। पूज्य संतोष बहन जी कितना भी दैन्य प्रकट करें, महाराज श्री को उन्हें पहचानने में पल भी न लगा। वे पूज्य बहन जी की उच्च स्थिति से पूर्णतया परिचित थे और उन्हें बहुत मान देते थे। पूज्य मनोहर दास बाबा से भेंट। उन्हीं दिनों इनका परिचय पूज्य मनोहर दास बाबा से हुआ। नर्मदा तटवर्ती महेश्वर में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे होलकर राज्य राजपुरोहित श्री खंडेराव जी मूले के कनिष्ठ पुत्र पूज्य मनोहर दास बाबा की गरिमा से ब्रजमंडल सुपरिचित हैं। युवा अवस्था में ही वे 108 बिल्व पत्रों से नित्य प्रति अपने आराध्य शिवलिंग का पूजन अर्चन करते थे। एक बार गायत्री पुरस्चरण भी किए। 22 वर्ष की अवस्था में श्री कृपालु जी का भाव में संकीर्तन सुन वृंदावन चले आए। वृंदावन आने पर श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के संपर्क में आए। महाराज श्री के प्रति इनका अतुलनीय गुरु भाव रहा। कई बार कठोर परीक्षाएं भी देनी पड़ी, पर इनकी गुरु निष्ठा अविचल रही। पूज्य बाबा वैरागी संत हैं, पूर्णतया अनासक्त। इनके बाह्य व्यवहार से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके अंतर में रस सिंधु की लोल लहरियों का अविरल आलोड़न चलता रहता है। उनकी आध्यात्मिक स्थिति का आकलन लौकिक नेत्र कर ही नहीं सकते। वर्तमान में वेणु विनोद कुंज में रह रहे पूज्य मनोहर दास बाबा पूज्य संतोष बहन जी के निकटतम परिचितों में हैं। इनका पूज्य बहन जी से बहुत ही स्नेहिल और आत्मीय संबंध रहा है। सन 1947 में पूज्य बाबा प्रथम बार पूज्य संतोष बहन जी से मिले। उनका ये परिचय प्रसंग उन्हीं के शब्दों में, अभी अभी की बात है, पुरानी नहीं। इस समय वृंदावन सिद्ध साधकों का गढ़ था। यहाँ न बाजार था, न व्यवहारिक जन कोलाहल। मंदिरों के घंटा घड़ियाल की मधुर ध्वनि, हाथ में झोली लिए दर्शक गण, कहीं कहीं अखंड कीर्तन की ध्वनि, शांत वातावरण, कहीं कहीं रास के दर्शन, बस यही वृंदावन दर्शन था। बात सन 1945 की है। संतों के आश्रय में सत्संग का आयोजन, महासिद्ध संत उड़िया बाबा हरि बाबा के आश्रम का दिव्य वातावरण, जिज्ञासु पिपासु श्रोताओं की उत्कंठा भरी दृष्टि, देखते ही बनता था यहाँ का वातावरण। मैं इसी साल विरक्त रूप में गृह त्याग कर वृंदावन आया था। यहाँ भिक्षाटन करके जगन्नाथ घाट पर एक कुटिया में रहता था। मेरे एक देशवासी दंपत्ति मुझसे 2 वर्ष पूर्व वृंदावन आकर वास कर रहे थे। उनकी कृपा से मुझे एक सिद्ध महापुरुष महाराज श्री के दर्शन हुए। जैसी मेरी लालसा थी उसी प्रकार का संत आश्रय मिलने से मन बहुत ही प्रसन्न था। इनके चरणाश्रय में कभी कभी रहता था।
एक दिन की बात है, इन दंपत्ति के यहाँ श्री महाराज जी बैठे हुए थे। मैं भी चरणाश्रय में बैठा था। बंबई कोठी वाले सेठ से दो मोटी रोटी भिक्षा मिली थी, थोड़ा सा गुड़ भी था। रोटी एक ताक में यूं ही रख दी थी। समय संध्या का था, रिमझिम वर्षा हो रही थी, कुछ चर्चा चल रही थी, गली सुनसान थी। तभी देखा एक नव युवती, गौरवर्ण, 20-22 साल की अवस्था, काली सलवार काली कमीज पहने हुए, नेत्रों में अश्रु भरे हुए, नीचा सिर झुकाए, वर्षा से कुछ भीगी हुई, धीमी धीमी चाल से चलती हुई द्वार के सन्मुख आकर खड़ी हुई, सिर पर अर्ध पल्ला लिए हुए धीरे से कोमल स्वर में दैन्यतापूर्वक बोली, एक रोटी का टुकड़ा। उस आर्त मधुर स्वर ने हृदय को चौंका दिया। वह सबकी दृष्टि उस पर जा पड़ी। दे दीप्यमान चेहरा, भगवद अनुराग चेहरे पर टपक रहा था, अश्रुपूरित नेत्र बह रहे थे, पलकें लाल सूजी हुई थीं, अवनत मस्तक। हमारे मन को इस दृश्य ने झकझोर दिया। दृष्टि उस युवती के मुख पर स्थिर हो गई। श्रीजी तो अंतर्यामी संत ही थे। देखते ही पूज्य श्री महाराज जी ने धीरे से मुझसे कहा, इसको भिक्षा दो, ये उच्च कोटि की साधक हैं। घर में तो कुछ था नहीं, ताक में मेरी भिक्षा की मोटी दो रोटियां रखी थीं। मैं झट से उठा, रोटी उठाई और उस युवती के हाथ पर गुड़ रखकर दे दी। वह हम लोगों की चेष्टा से समझ गई कि इन लोगों ने मुझे पहचान लिया है। जल्दी से रोटी के ऊपर रखा गुड़ फेंक कर भाग निकली और नेत्रों से ओझल हो गई। श्री जी ने कहा, ये बहुत अच्छी भक्त है। यह उनका मुझे प्रथम दर्शन था। इसके बाद कभी कभी उड़िया बाबा के आश्रम में साधु संतों में सबसे पीछे नीचे सिर झुकाए अश्रु बहाते हुए सत्संग सुनते हुए देखते थे। आंखें लाल लाल, नीचे की पलकें सूजी हुई क्या गल ही गई थी। अश्रु सतत बहते रहते थे। कभी कभी दिन में रात्रि में वृंदावन की गलियों में अकेली नीचे सिर किए अश्रु टपकाते चलती हुई मिल जाती। दो दो बजे रात को यमुना पुलिन पर अकेली पड़ी हुई मिलती। रहने को घर नहीं, एक धोती हाथ में जहाँ तहाँ पड़ी रहती थी। यह सब दृश्य आँखों से कई बार देखा है। वृंदावन की गली गली इनके आंसुओं से भीगी हुई है। उसके बाद वह यदा कदा पूज्य महाराज श्री के यहाँ सत्संग में आती जाती थी। अनुरागिणी संतोष जी सदा सर्वदा ठाकुर चर्चा और लीला चिंतन में डूबी रहती। अपनी बेसुधी में अर्धरात्रि को ही श्री यमुना पुलिन की ओर चल देती और चातक वृत्ति सी ललक लिए घंटों प्रभु दर्शन में प्रतीक्षारत स्थिर बैठी रहती। ऐसी ही विरह की स्थिति में एक दिन यह श्री बांके जी की कुटिया के नीचे सीढ़ियों पर अर्धरात्रि को ही आ बैठी। श्याम सुंदर के विरह ताप से उद्विग्न पूज्या संतोष बहन जी किसी और ही लोक में निमग्न थी। उधर ऊपर अपने कक्ष में ध्यानरत बांके जी एकाएक बेचैन से होकर छटपटाने लगे। व्याकुलता हर पल बढ़ती बढ़ती असहनीय होती गई। सोचने लगे, ये क्या हो रहा है। कारण कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर कक्ष में घूमते रहे, फिर द्वार खोल जो बाहर आने को हुए तो आश्चर्यचकित रह गए। नीचे सीढ़ियों पर पूज्या संतोष बहन जी को बैठे देखा, समझ गए इन विरह मूर्ति का ताप ही उन तक पहुंच रहा था। अर्धरात्रि में ही अक्सर ये इमली तल्ला के पास ही पुराने गंगा मंदिर की सीढ़ियों पर आविराजती। आकर्षण था संकीर्तन ध्वनि का लोभ। वहाँ नीचे के कमरे में पूज्या देवी जी सुस्वर उच्च कंठ से नाम ले रही होती और ऊपर के कमरे में पूज्य मनोहर दास बाबा, ये बाहर बैठी नाम धुन आस्वादन में मत रहती। उन दिनों भोर में नित्य प्रति गंगा मंदिर की इन सीढ़ियों में जा बैठना इनका नियमबद्ध क्रमशः हो गया था। पूज्या बहन जी कहती, ये गंगा मंदिर नहीं गंभीरा मंदिर है।
यहाँ नाम लिया नहीं जाता, खाया जाता है। यह गंगा मंदिर का पावन स्थान उन दिनों की महाराज श्री की उन्मत्त भाव दशाओं का साक्षी था, उन्मत्त भाव दशाओं का साक्षी था। पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी की गरिमा को प्रकट करती पूज्या बहन जी के मुख से सुनी एक घटना है। सन 1950 की बात है। उन्हें वृंदावन आए अभी 2-2.5 साल ही हुए थे। एक बार स्वप्न में ये बिहारी जी के दर्शन करने गईं। बिहारी जी के मंदिर में प्रांगण में ही ये खड़ी थी। मंदिर में कोई भी नहीं था, पुजारी भी नहीं, केवल जय किशोर भंडारी ऊपर कठहरे पर टेक लगाए खड़े थे। जैसे ही पूज्या संतोष जी सीढ़ी से ऊपर जाने लगी तो देखा पूज्य श्री महाराज जी भी पास से होकर जा रहे थे। वे अपनी उसी चिर परिचित मस्ती में डूबे थे। इन्होंने उन्हें अभिवादन नहीं किया। जब ये बिहारी जी के दर्शनार्थ आगे को हुई तो देखा बिहारी जी की दाहिनी आंख पर पट्टी बंधी थी। ये स्तब्ध रह गई। घबरा कर पूछा, आपकी आंख को क्या हो गया? तो बिहारी जी बोले, तूने ही तो मेरी आंख फोड़ दी है। ये सकपका गई, बड़ी मायूस सी हो बोली, मैंने क्या किया है? बिहारी जी बोले, एक संत तेरे सामने से निकल गए और तूने अवहेलना कर दी। संत तो मेरे नेत्र हैं। इस प्रकार बिहारी जी ने निज मुख से पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज को संत की उपाधि दी। पूज्या देवी जी से मिलन। उन्हीं दिनों उनकी भेंट हुई श्री महाराज जी की अनन्य आश्रिता पूज्या देवी जी से। उत्तर प्रदेश के ही बुलंदशहर के पास एक संपन्न परिवार में जन्मी पूज्या देवी जी ईश्वर प्राप्ति की लालसा से बाल्यकाल में ही गृह त्याग कर घोर विरक्ति और तितिक्षापूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थीं। अयाचक वृत्ति से परिभ्रमण के समय ओमकारेश्वर में नर्मदा जी स्वयं एक मल्लाह की 8 वर्षीय बच्ची का रूप धर इन्हें दूध पिलाने आई। श्रीधाम आने के बाद पूज्या देवी जी पूज्य श्री बालकृष्णदास जी महाराज जी के चरणाश्रय में रहती हुई गंगा मंदिर की एकांतिक कुटिया में साधनारत नित्य प्रति 3 लाख जप किया करती थी। उन दिनों उन्हें भाव राज्य का आस्वादन भी भरपूर मिला। पूज्या देवी जी को महाराज श्री का निरंतर सत्संग, सतत सानिध्य और अगाध स्नेह मिला था। इसीलिए जब सन 1947 में श्री जी अज्ञातवास के लिए चले गए, पूज्य श्री महाराज जी अज्ञातवास के लिए चले गए, तो ये बहुत ही बेचैन हो गई। अपने गुरु श्रद्धे महाराज जी की अनुपस्थिति इनके लिए असहनीय थी। इनका खाना पीना सब कुछ छूट गया। इस अनशन और मानसिक व्यथा से इनका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया। श्री बांके जी को सब समाचार मिला। उन्होंने पूज्या संतोष जी को देवी जी के पास उन्हें समझाने के लिए गंगा मंदिर भेजा। यही पूज्या देवी जी वह पूज्या संतोष जी का प्रथम मिलन था। श्री संतोष जी इनके साधना में कठोर जीवन से और नाम निष्ठा से बहुत ही प्रभावित हुई। पूज्या देवी जी की उच्च स्वर से महामंत्र की संकीर्तन ध्वनि सुनने के लिए अक्सर भोर में ही गंगा मंदिर की सीढ़ियों पर आविराजती। ठाकुर घनश्याम जी से अपनत्व। पूज्य श्री ठाकुर घनश्याम दास जी से अपनत्व। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी के यहाँ ही इनका परिचय ठाकुर घनश्याम जी से हुआ। सन 1942 में जब ये वृंदावन आई थी और उड़िया बाबा के आश्रम में जिन रास बिहारी ने अपनी चपल मुद्राओं से, दिव्य रास नृत्य से इनके अंतर को मुग्ध कर दिया था, ये वही ठाकुर थे। सन 1955 में जब ठाकुर घनश्याम दास जी दुसायत काली देह रोड पर अपनी कुटिया में भजन रत थे तो भी अक्सर उनसे भेंट हो जाती। यमुना तट पर पूज्या बहन जी सरला जी के संग बैठी रहती तो ठाकुर घनश्याम यमुना पुलिन पर घूमते दिख जाते थे। पर परिचय महाराज श्री के यहाँ ही हुआ।
ठाकुर घनश्याम जी महाराज श्री के अंतरंग जनों में से एक थे। वे दिन रात उनकी सेवा में मग्न रहते थे। पूज्या संतोष बहन जी का वात्सल्य इन्हें देख उमड़ पड़ता, पर इस वात्सल्य से भी अधिक प्रबल ठाकुर घनश्याम के प्रति उनके ब्राह्मण होने से श्रद्धा जनित भाव था। पूज्या बहन जी की गरिमा से भली भांति परिचित उन्हें सत्कार देते हुए ठाकुर घनश्याम जितनी श्रद्धा से इन्हें नमन करने का प्रयास करते, उससे भी कहीं अधिक पूज्या बहन जी इनके आगे नतमस्तक हो जाती। दोनों का परस्पर एक दूसरे को नमन करने का होड़ भरा वह दृश्य बहुत ही मन लुभावना होता। एक चंचल बालक की चपलता, कभी हठीली दुबली पतली पूज्या बहन जी की पकड़ को मात कर जाती और कभी इनकी जिद ठाकुर घनश्याम की सभी चतुराइयों को पराजित कर देती। इतना अपनत्व भरा संबंध था दोनों में, जिसका प्रमाण है कि जब पूज्या बहन जी सन 1965 में बिड़ला मंदिर में पूज्य राधा बाबा के दर्शनार्थ गईं, तो प्रणाम करने के वक्त अपना परिचय दिया, बाबा मैं आपके घनश्याम की बहन संतोष अस्तु। जय श्री राधे, जय श्री राधे।